नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और हमारे Facebook पेज पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और यहां पर हम आपको बताते हैं सप्लीमेंट्स रिलेटेड हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और आपके सप्लीमेंट खरीदते टाइम आपके काफी काम आने वाली है। दोस्तों, हमारे चैनल का गोल भी है कि हम आपको सप्लीमेंट से रिलेटेड हर एक बात, हर एक पॉइंट से अवेयर रखें, आपको अपडेटेड रखें। तो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नए सप्लीमेंट के साथ। दोस्तों, आज का जो सप्लीमेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, वो है सेल्यूकोर C4 प्री वर्कआउट। दोस्तों, बहुत ही जाना पहचाना नाम है, ये बहुत ही कॉमन नाम है। अगर हम प्री वर्कआउट की बात करते हैं तो C4 सबसे कॉमन प्री वर्कआउट है और सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला प्री वर्कआउट है। दोस्तों, आज हम सेल्यूकोर C4 ओरिजिनल प्री वर्कआउट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, C4 में चार तरीके की वैरायटी आती है जिसमें C4 ओरिजिनल, C4 रिप्ड, C4 एक्सट्रीम चार्ज और C4 स्पोर्ट्स प्री वर्कआउट शामिल हैं। तो दोस्तों, आज हम जिसकी बात करेंगे वो है सेल्यूकोर C4 ओरिजिनल के बारे में, वो भी दोस्तों 60 सर्विंग पैक के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने वर्कआउट में एक पुश चाहिए, एक एनर्जी चाहिए कि मैं वर्कआउट करने के लिए तैयार हो जाऊं, तो आप प्री वर्कआउट यूज कर सकते हैं। दोस्तों, प्री वर्कआउट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता अगर आप उसे लिमिटेड डोज में ले रहे हैं और लॉन्ग टर्म यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब आप ऐसा ना करें कि आप उसे चार पांच पांच महीने रेगुलर यूज करें या फिर आप ओवर डोज में उसे यूज करें। तो दोस्तों, अगर आप इसे ओवर डोज में यूज नहीं करते, लॉन्ग टर्म में यूज नहीं करते, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बट दोस्तों, जिसको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, मैं उससे कहूंगा कि वो इसे अवॉइड करे। तो दोस्तों, अगर हम सेल्यूकोर C4 ओरिजिनल के सप्लीमेंट फैक्ट्स की बात करते हैं तो दोस्तों, इसकी एक स्कूप है 6.5 ग्राम की और इसमें टोटल सर्विंग है दोस्तों 60, जिसमें दोस्तों आपको बीटा अलाइन मिलेगा 1600 mg, एटीन नाइट्रेट मिलेगा दोस्तों 1000 mg, इसमें आपको RG9 मिलेगा दोस्तों 1000 mg, दोस्तों इसमें आपको एक ब्लेंड मिलेगा जिसमें आपको एन एसिटाइल, एल थायरोसिन, कैफीन, इनका ब्लेंड मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा आपको 375 mg। इसमें दोस्तों आपको विटामिन सी मिलेगा 250 mg, इसमें आपको विटामिन B6 मिलेगा 500 mcg, आपको विटामिन B12 भी मिलने वाला है 25 mcg, इसमें आपको फॉलिक एसिड मिलेंगे 150 mcg। दोस्तों, ये सप्लीमेंट फैक्ट्स की पिक्चर आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रही है, वहां से भी आप एक बार नोटिस कर सकते हैं कि आपको क्या क्या इसमें मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप स्टार्टिंग में प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ना लें, आप जितना हो सके नेचुरल फूड पर कंसंट्रेट करें। बट दोस्तों, अगर आप जिम करने से पहले या अपने फिजिकल वर्कआउट करने से पहले खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं या फिर आप एक पुश चाहते हैं अपने वर्कआउट में, तो आप C4 प्री वर्कआउट सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। तो कंपनी ने इसमें बताया है कि इसकी आपको एक स्कूप लेनी है 100 से 200 ml पानी में और वो भी 20 से 30 मिनट पहले, मतलब अपने वर्कआउट से 20 से 30 मिनट पहले आपको ये 100 से 200 ml पानी में लेना है। दोस्तों, कंपनी ने इसमें बताया है कि किसी किसी को इसमें एक सेंसेशन होगी, एक इचिंग टाइप की फील आएगी कंपनी के अकॉर्डिंग दोस्तों, वो होती है बीटा अलाइन की वजह से। इसका कोई भी हार्म नहीं होता, कंपनी ने यहां पर साफ साफ लिख कर दिया है, सम इंडिविजुअल्स मे एक्सपीरियंस ए हार्मलेस टिंगलिंग सेंसेशन विच इज एट्रीब्यूटेबल टू बीटा अलाइन। तो आपने काफी बार सुना भी होगा कि प्री वर्कआउट लेने पर मुझे थोड़ा इचिंग हो रही है, थोड़ी चींटियां चल रही हैं, थोड़ी गर्मी लग रही है। तो दोस्तों, वो सारी चीजें आपकी कैफीन, LRG9, बीटा अलाइन, इन्हीं सारी चीजों की वजह से होती हैं। तो उनका कोई भी साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पर दोस्तों नहीं होता अगर हम उनको एक लिमिटेड क्वांटिटी में और सजेस्टेड डोज में यूज कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर वार्निंग्स की बात करते हैं तो कंपनी ने यहाँ पर साफ साफ लिख कर दिया है कि एक हेल्दी एडल्ट के लिए है और दोस्तों, इसको यूज करने से पहले आपको अपने ट्रेनर से, अपने डाइटिशियन से, अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर कर लेनी है। आप दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि प्री वर्कआउट को दूसरे जब लेते हैं तो उनकी देखा देख बिगिनर्स भी उसे लेने लगते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसा ना करें, ये एक हेल्दी एडल्ट के लिए और कंपनी ने भी यहां पर साफ साफ लिख कर दिया है कि दोस्तों, ये वार्निंग्स होती हैं जो कंपनी हमको ऑलरेडी लिखकर बोल रही है, कंपनी हमको बता रही है, ये वार्निंग्स हमको कोई भी सप्लीमेंट खरीदने से पहले जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, कंपनी खुद ही कह रही है कि ये एक हेल्दी एडल्ट के लिए है और ये हर किसी के लिए नहीं है और इसे लेने से पहले हमें एडवाइस ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों, हमको वो वार्निंग्स हमें ध्यान रखनी चाहिए सप्लीमेंट खरीदने से पहले। दोस्तों, मैं भी आपको एडवाइस करूंगा कि आप इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। बेरी बॉम ये फ्लेवर है दोस्तों, इसमें आपको 60 सर्विंग मिलने वाली हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके फेक और ओरिजिनल में। दोस्तों, C4 सबसे ज्यादा
डिमांड में रहने वाला प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है दोस्तों, इसलिए C4 की कॉपियां भी बाजार में सबसे ज्यादा आती हैं। इसलिए आपको अवेयर रहना होगा, जानना होगा कि कैसे आप एक फेक और ओरिजिनल सप्लीमेंट में डिफरेंस कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल का गोल भी है कि हम आपको फेक सप्लीमेंट से बचा सकें और ओरिजिनल सप्लीमेंट ही आप खरीद पाएं, वो सारी नॉलेज हम आपको दे पाएं। तो दोस्तों अगर मैं यहां पर फेक और ओरिजिनल की बात करता हूं तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों वो है इंपोर्टर की स्टैंप। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इंपोर्टर की स्टैंप जो स्क्रीन के ऊपर भी आ रही है, वहां से भी आप एक बार नोटिस करिए। जैसे दोस्तों इसके इंपोर्टर हैं एसएसएनसी वाले इसके इंपोर्टर हैं जिन्होंने अपनी इंपोर्टर स्टैंप इसके ऊपर लगाई हुई है, जिस स्टैंप के ऊपर उनका एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर, उनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल सारी चीजें दी गई हैं। तो दोस्तों ये स्टैंप आपके प्रोडक्ट के ऊपर जरूर होनी चाहिए जब आप कोई भी इंपोर्टेड सप्लीमेंट खरीदें, क्योंकि दोस्तों इंपोर्टेड सप्लीमेंट बाहर से इंपोर्ट होते हैं, बाहर की कंट्रीज से आते हैं, तो कोई ना कोई इंपोर्टर, कोई ना कोई फर्म उसको इंपोर्ट करती है और उसकी स्टैंप इसके ऊपर जरूर होनी चाहिए। दोस्तों दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों वो है शॉप का पक्का बिल। जैसे देखिए आप ये सप्लीमेंट विला से मैंने परचेस किया है, जिसका पक्का बिल मुझे मिला है, जिसके ऊपर उसकी जीएसटी नंबर, उसकी स्टैम्प सिग्नेचर, उसका एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल सारी चीजें दी गई हैं। दोस्तों ये पक्का बिल आपको जरूर परचेस करना है। आप ऐसा ना करें कि आप 100-200 रुपए बचाने के चक्कर में पक्का बिल ना लें। दोस्तों ये 100-200 रुपए का लालच ही हमको मारता है और हमको फिर पछताना पड़ता है जब हम नकली सप्लीमेंट ले आते हैं 100-200 के लालच के चक्कर में। तो दोस्तों आप 100-200 के लालच के चक्कर में ना आए और आप ओरिजिनल सप्लीमेंट ही परचेज करें। जैसे कि मैंने ये सप्लीमेंट विला से परचेस किया है। दोस्तों अगर आप भी ओरिजिनल सप्लीमेंट परचेस करना चाहते हैं तो आप सप्लीमेंट विला पर कॉल या मैसेज करके कोई भी सप्लीमेंट का ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों आपको वहां पर 100% ओरिजिनल सप्लीमेंट मिलेंगे, विद बिल सप्लीमेंट मिलेंगे और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपसे कोई भी कोरियर चार्जेस नहीं लिया जाएगा। मतलब बिना किसी कोरियर चार्जेस के आपके घर तक आपको सप्लीमेंट पहुंचा कर देंगे सप्लीमेंट विला वाले। दोस्तों सप्लीमेंट विला का कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसे नोटिस कर लें ओरिजिनल सप्लीमेंट खरीदने के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपको उसकी एक्सपायरी डेट, उसके बॉक्स की क्वालिटी, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, वो अच्छे से सील पैक है या नहीं है, ये सारी चीजें भी आपको नोटिस करनी है दोस्तों कोई भी सप्लीमेंट खरीदने से पहले। तो अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप एक फेक सप्लीमेंट से बच जाएंगे और ओरिजिनल सप्लीमेंट ही खरीदेंगे। तो अब हम कर लेते हैं इसकी ओपनिंग। मैं इसकी ओपनिंग करके आपको दिखा देता हूं, देख लेते हैं इसके अंदर कैसा पाउडर निकलता है, कैसी इसकी मिक्सिबिलिटी है, कैसा इसका टेस्ट है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों जैसा कि ये सी फोर्स ओरिजिनल आईडी सीरीज ये प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है जिसमें 60 सर्विंग है। देखिए दोस्तों ये अच्छे से यहां से सील पैक है और ये सील पैक ही होना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं इसको यहां से ओपन कर लेता हूं। ये मैंने यहां से ओपन कर लिया है दोस्तों। अब मैं ये देखिए दोस्तों ओपन करने के बाद इसमें एक इनर सील भी है जो इसके ऊपर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यही वो सील है जो इसको मॉइस्चर से बचाती है। दोस्तों ये सील आपको जरूर नोटिस करनी है। तो मैं अब इसको यहां से हटा लेता हूं। मैंने दोस्तों यहां से हटा ली है। ये कुछ गुलाबी कलर का इसमें पाउडर निकला है और बेरी बॉम्ब ये फ्लेवर है। पाउडर का जो कलर होता है दोस्तों वो फ्लेवर के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज भी होता है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। तो गुलाबी कलर का ये पाउडर है, बेरी बॉम्ब ये फ्लेवर है। इसकी 6.5 ग्राम की इसकी स्कूप है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि इसकी मिक्सिबिलिटी कैसी है, कैसा इसका ये टेस्ट है। दोस्तों मैं 100 से 150 ml पानी लूंगा। दोस्तों मैंने ये 100 से 150 ml पानी ले लिया है। दोस्तों वैसे मुझे अभी कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं करना, बट मैं आपको दिखाने के लिए, आपको अवेयर रखने के लिए इसको मिक्स करके आपको दिखाऊंगा और इसको टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि मुझे इसका टेस्ट कैसा लगा, ताकि आप भी जान पाए कि इसकी मिक्सिबिलिटी कैसी है, इसका टेस्ट कैसा है। अदरवाइज दोस्तों मुझे अभी कोई वर्कआउट नहीं करना, बट फिर भी आपको दिखाने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए मैं इसकी मिक्सिबिलिटी दिखाऊंगा। दोस्तों मैं इसकी पूरी स्कूप नहीं लूंगा, आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैं इसकी हाफ स्कूप इसमें मिक्स करूंगा। तो दोस्तों मैंने इसकी हाफ स्कूप डाल दी है, 100 से 150 ml ये पानी है। अब मैं इसको मिक्स कर लेता हूं। रेड कलर इसका हो गया है क्योंकि बेरी बॉम ये फ्लेवर है। फ्लेवर के अकॉर्डिंग दोस्तों इनके पाउडर का कलर भी चेंज हो जाता है और पानी का कलर भी चेंज हो जाता है।
तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा मिक्स करने पे ये कितना इजीली मिक्स हो गया। दोस्तों प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स की मिक्सिबिलिटी जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि वो मिक्स नहीं हो रहा है, कोई गांठे बन गई है, वो नीचे बैठ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए कितना इजीली ये मिक्स हो गया है, ये पानी रेड कलर का हो गया है, बेरी बॉम ये फ्लेवर है। दोस्तों मैं अब इसको टेस्ट कर लेता हूं और आपको बता देता हूं कि मुझे इसका टेस्ट कैसा लगा। दोस्तों अगर मैं यहां पर टेस्ट की बात करता हूं तो मुझे इसका टेस्ट काफी अच्छा लगा। बचपन में जो हम टॉफी खाते थे, फ्रूट वाली जो पॉपिन आती, उसमें जो रेड कलर वाली जो पॉपिन आती थी दोस्तों, उसकी तरीके का इसका टेस्ट है। बेरी बॉम ये फ्लेवर है, अगर आप बेरी बॉम फ्लेवर लेंगे आप इसके टेस्ट को जरूर इंजॉय करेंगे। दोस्तों अगर मैं यहां पर मार्किंग की बात करता हूं टेस्ट की, तो मैं इसको दूंगा 95 out of 100, मुझे इसका टेस्ट काफी अच्छा लगा। तो दोस्तों ये तो होगी इसकी ओपनिंग, इसकी मिक्सिबिलिटी के बारे में बातें। दोस्तों अब हम कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में बातें। दोस्तों अगर मैं यहां पर इसके प्राइस की बात करता हूं तो SSNC जो इसके इंपोर्टर हैं, उन्होंने इसका प्राइस दिया हुआ है 4499 रुपए, मतलब 4499 रुपए का इसका MRP है। और दोस्तों मुझको ये सप्लीमेंट विला से आफ्टर डिस्काउंट पड़ा है 3000 रुपए का। दोस्तों मुझे ये सप्लीमेंट विला से डिस्काउंट के बाद पड़ा है 3000 रुपए का, काफी अच्छा मुझको इसमें डिस्काउंट मिला है और 4499 इसका MRP है। दोस्तों अगर आप भी ओरिजिनल C4 खरीदना चाहते हैं या ओरिजिनल कोई भी सप्लीमेंट खरीदना चाहते हैं, तो आप सप्लीमेंट विला पर कॉल या मैसेज करके किसी भी सप्लीमेंट का ऑर्डर दे सकते हैं। सप्लीमेंट विला वाले आपके घर तक उसे कोरियर कराकर देंगे और दोस्तों आपसे कोई भी शिपिंग चार्जेस नहीं लिया जाएगा। सप्लीमेंट विला का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आप वहां से उसे नोटिस कर लें। तो दोस्तों आज हमने बात की C4 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये वीडियो काम की लगी है, तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की वीडियोस देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको सप्लीमेंट से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक अपडेशन से परिचित रखेगी और आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे हम किसी नई वीडियो में, किसी नए सप्लीमेंट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।